किसान भाइयों, ये खेत रामराज में है प्रीतपाल जी के फार्म पे, और ये ट्रंच विधि से बोया हुआ गन्ना है महमूदपुर। थोड़ा बताना एक बार, ये कितना एवरेज आता है इनके यहाँ? इसका 600 के आसपास आ रहा है भैया जी। 600 कुंटल, 500-600 के बीच में प्रति एकड़ का? हाँ जी। तो 500 कुंटल तो हमारे यहाँ निकल जाए आराम से, जो तो हम 30 इंच पे बोते हैं, 27 या 30 इंच। इसमें लेबर खर्चा कम है? लेबर खर्चा नहीं है। अच्छा, इसमें खर्चा कम है। अच्छा, देखा बीज भी कम लगता है? इसमें 5-6 कुंटल बीज हमारे में 7 लगता है किसान नहीं उसका बिकेगा। हमारे 35 कुंटल लगता है किसान भाइयों। ये है देखो जी, ट्रंच विधि से बोया हुआ गन्ना। अच्छा, ये एक आँख का बोया हुआ? एक आँख का बोया हुआ है ये देखिए। और इसमें जो इनका ट्रैक्टर है फार्म पे छोटे, उन ट्रैक्टर को चलाया जाता है। गन्ना बहुत अच्छा खड़ा है। अभी फ़िलहाल इन्होंने एक का खूड़ बंधवाया है, और इसके बाद में दोनों तरफ से मेल लगाई जाएगी। ये देख लीजिए आप, मैं और भी अंदर चलता हूँ। ये आँख काट के बोया गया है, एक आँख का देखिए, 5 फुट चौड़ाई है इसकी, कम होगी 2.5-5 होगी भाई, काफ़ी ऊंचाई बढ़ी हुई है गन्ने की। ये करीबन लगा लीजिए आप 5, इस टाइम 9-10 फुट गन्ना है बाजार, तो गन्ना 10 फुट हो गया है। अब जो है सितंबर चल रहा है अभी, तो ज़बरदस्त गन्ना है, खेत लगा हुआ है। अभी हमारे लोग पिछड़े हुए हैं, जैसे हम अभी 27 या 30 इंच से आगे नहीं बढ़ पाए। दरअसल बढ़ना क्या है, इसके लिए फिर ट्रैक्टर भी चाहिए छोटा। अब छोटे किसान इस तरह बोएंगे तो जुताई करने के लिए दिक्कत पड़ती है। अब किसान क्या करता है, जो मीडियम छोटा किसान है, बैल भी नहीं रहे, झोटा झोटा जोड़ते हैं और कंटीमीटर चला लिया, एक हाँक दे एक पीछे पकड़ ले, अपना काम निमट जा। अब इसके लिए तो बड़े बड़े साधन चाहिए, मिट्टी चढ़ाने के लिए भी अलग से चाहिए, जुताई के लिए कंटीमीटर, वो क्या बोलते हैं, 5 टन का टीलर और रूटावेटर। तो ये तो भाइयों, आपको जो भी अच्छा लगे गन्ना उसी तरह का बोएं। अभी ये बता रहे हैं 500-600 कुंटल प्रति एकड़ किल्ला। हम जो बोते हैं 27 इंच पे, हमारे भी पौधा बड़े आराम से निकल जाता है 500 कुंटल। जो फागन का बोया, ये फागन का बोया हुआ है, तो एवरेज तो सेम ही है। थोड़ी बता रहे हैं खर्चा कम है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक का आँख काटने के लिए लेबर चाहिए, वो मेहनत का काम है। मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना या मुझे कमेंट करना कि आपको जो सी चीज़ अच्छी लग रही है, मैं वैसे ही आगे ध्यान रखूँगा। नमस्कार।